डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघोल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये 1928 की कहानी है। उस समय मैं एक गांव में रहा करता था। अंग्रेज शासन हुआ करता था और आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। हर जगह परेशानी ही परेशानी थी और भारत बहुत ज़्यादा गरीब था। मुझे गरीबी कभी पसंद नहीं रही, इसीलिए मैं कभी आज़ादी आंदोलन में भाग लेने के बारे में सोचता तो कभी गांव में किसी खेत को खरीद कर खेती करने के बारे में सोचता। मैं बस अमीर होना चाहता था। मुझे भारत से कोई रिश्ता नहीं था, मुझे बस अपनी ज़िंदगी से रिश्ता था। आपको अपनी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो हर चीज़ कर रहा था। लेकिन अंग्रेज़ भारतीयों को तंग ही इतना ज़्यादा कर देते थे। कभी टैक्स को बढ़ा देना, कभी सामान गांव-गांव तक पहुंच ना पाना, वो हर जगह हमें परेशान करते ही जा रहे थे। और पहला विश्व युद्ध वैसे भी दुनिया को तबाह कर रहा था, भारत पर उसका असर हो रहा था। कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ रही है। जब से अंग्रेज भारत आए हैं महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन फिर भी खेतों में इस तरह ज़्यादा महंगाई का एहसास नहीं होता था। हम खेतों में जो उगाते दूसरे किसानों को देते और उनसे फसल ले लेते। सब्जी वाला फसल वाले से फसल लेता था, फसल वाला फल वाले से फल ले लिया करता था। इस तरह से सामान को आपस में बांटकर गांव में हम रहा करते थे और मैं तरकीबें लगाया करता था कैसे इनसे ऊपर उठ पाऊं, कैसे मैं भी राजा बन पाऊं। मुझे पता है कोई आम इंसान राजा नहीं बन सकता, कोई बड़ा अफसर नहीं बन सकता, और मेरे जैसा जिसे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था वो क्या करता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं भाषा को अच्छे से समझ सकता था, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता था, लेकिन ज़्यादा समझदारी में दिखा नहीं पाता था। मुझे इंग्लिश नहीं आया करती थी जो अंग्रेज़ बोला करते थे। उन्हें बोलते हुए देख ऐसा लगता था ऐसे होते हैं अमीर, और अपनी भाषा पर मुझे शर्म आया करती थी। तब हमारे गांव में सब लोग यही कहा करते थे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। मैं भी हमारे गांव के उस मंदिर में हर रोज़ जाया करता। सुबह सफाई के लिए जाता, शाम को सफाई के लिए जाता, मैं पूजा पाठ करता ही रहता था। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे गांव में आए थे, उन्होंने यहां से एक रास्ता निकालना था और इसके लिए सड़क का निर्माण किया जाना था। अब सड़क के बिल्कुल बीच में ये मंदिर बना हुआ था और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा। गाँव वालों ने लड़ने की कोशिश की, मैं भी मंदिर के लिए लड़ रहा था, लेकिन मंदिर को हम बचा नहीं पाए। मंदिर को तोड़ दिया गया, रास्ता बना दिया गया। गांव वाले रोते रह गए। उन मूर्तियों को भी एक तरफ फेंक दिया गया और उन मूर्तियों को पूजा पाठ करके अलग जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया। तब मेरे मन में शंका सी पैदा होना शुरू हो गई थी, आखिर भगवान अपना मंदिर क्यों नहीं बचा पाए, आखिर भगवान ने हमें इतनी शक्ति क्यों नहीं दी कि हम मंदिर की रक्षा कर पाते। क्या हम भी इतने बड़े नहीं हो पाए कि रक्षा कर पाए अपने गाँव की। अंग्रेज़ों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हम, क्यों। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं अलग अलग धर्मों के लोगों को इज्जत देता हूँ, लेकिन किसी की कोई भी मन की मुराद पूरी नहीं हो पाई। अलग अलग धर्मों के लोग इस गांव में रहा करते थे, कुछ इबादत किया करते थे तो कुछ पूजा किया करते थे, किसी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी। तब मुझे लगा भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, भगवान हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, भगवान की पूजा करना उनकी इबादत करने का कोई फायदा नहीं होता। और शायद इसी का गुस्सा था कि हमारे उस गांव में जब एक अंग्रेज उस सड़क का निरीक्षण करने के लिए अकेला आया था, उस रात मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि बड़ी लकड़ी का एक लट्ठा उठाया मैंने और सीधा उसे पीटना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं मुँह ढक कर तो जाऊँगा, उसे पीटूंगा, बाद में वो लड़खड़ाता हुआ भाग जाएगा, मैंने ये सोचा था।
पीटते पीटते मुझे गुस्सा इतना ज्यादा चढ़ता गया कि मैं सर पर वार करता गया करता गया। उसके बाद उसने हिलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे लगा मर ही तो नहीं गया, भागूं यहां से। उसके बाद मैं वहां से भाग निकला था। अगले दिन पता चला उसकी मौत हो गई और अंग्रेजों ने हमारे इस गांव में छावनी सी बना दी थी। उन्होंने कहा जो भी अपराधी है उसे पकड़ा जाएगा। इसके बाद हमारी गांव की एक बुढ़िया ने मुझे देख लिया था उस तरफ जाते हुए। उसने गवाही दे दी, मेरा नाम बता दिया और अब हर तरफ राघोल को ढूंढा जा रहा था, यानी कि मैं। अब मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, गांव को छोड़ने का समय आ गया है। उसी रात गन्नों के खेत के बीच से भागा था मैं। इसके बाद मैं भागता रहा और नेपाल की तरफ भागना ही मेरा आखिरी रास्ता रह गया था। वहां पर अंग्रेज शासन नहीं था। अगर मैं बचकर किसी तरह नेपाल की पहाड़ियों को पार करके वहां तक पहुंच जाता तो आसानी से बच सकता था। मैं वहीं पहुंच गया, किसी तरह से उन पहाड़ियों को पार किया था ठंड में मैंने, और अब मैं जान गया था आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ के नियम अलग थे। बाहरी लोगों को यहाँ पनाह नहीं दी जाती थी, इसीलिए किसी गांव में रह नहीं सकता था, तो मुझे जंगल में रहना पड़ा। अब जंगल में बीच बीच में ठंड हो जाती है, मुझे वहाँ पत्तों के कपड़े पहनने पड़ते, झाड़ियों को ओढ़ ओढ़ कर रात को सोना पड़ता। वो जिंदगी किसी मुश्किल की घड़ी की तरह थी। वहाँ उस जंगल में एक बड़ी सी गुफा के पास मैंने कई मूर्तियाँ लगी देखी। आज चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गया था। यहाँ एक तरफ नदी बनी हुई थी और एक साधु बाबा देखा मैंने जो इस पहाड़ी के अंदर पूजा पाठ किया करता था। मैं वहाँ बाहर पत्थर पर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा कब उसका ध्यान खत्म होगा। वो सुबह के वक्त से ध्यान करता जा रहा था और शाम के वक्त उठा। उसे अब भूख लगी थी, उसे अब प्यास लगी थी। वो झरने में पानी पीने के लिए आया और मैं पत्थर पर बैठा हुआ उस पर हंसने लगा था। क्या फ़ायदा, कितना ध्यान लगाते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, भगवान आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अच्छा भाग कर आए हो, तुम नास्तिक लगते हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ लगता है, इसीलिए भगवान पर भरोसा नहीं रहा तुम्हें। फिर मैं उस बाबा से कहने लगा, ठीक है, मैं तो भगवान को मानता नहीं, मैं तो बुरा इंसान हूँ, आप तो अच्छे इंसान हैं ना, आपको भी गांव में जगह नहीं मिली, यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं, गुफा में मंदिर बनाना पड़ा है, पानी यहाँ नदियों से पीना पड़ता है, खाना ढूंढ ढूंढ कर खाना पड़ता है, क्या जिंदगी है आपकी, भगवान ने आपको क्या दिया। फिर वो साधु हंसकर कहने लगा था, समय समय पर सही चीज़ का पता चलता है, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि जिंदगी क्या है, जब ज्ञान हो जाएगा हर चीज़ में खुशी मिलेगी। मैं अब उस साधु बाबा पर गुस्सा होकर कहने लगा था, जब मिलेगा तब मिलेगा, तब का इंतजार कौन करे, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, हमारे पास बुद्धि है, हम हर चीज़ को जल्द पा सकते हैं। मेरा मानना है भगवान हमारी मदद नहीं करता, हम अपनी मदद खुद करते हैं। अब वो साधु मेरे साथ बहस नहीं करना चाहता था, मुझे समझाना चाहता था, और उसे ये भी पता चल गया था बात मैं मानने वाला हूँ नहीं। तब वो मेरे साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वो मुझे समझाने लगा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरे पास कुछ कंबल है, कुछ कपड़े हैं। उसने मुझे कपड़े दिए, उसने मुझे खाना दिया। इसके बाद मुझे भी थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, ये बूढ़े बाबा काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं साधु बाबा के साथ दोस्ती कर चुका था, उन्हीं के साथ जंगल में रह रहा था। अब गुफा के अंदर उन्होंने ढेर सारी झाड़ियाँ बिछा रखी थी, वहाँ सोने के लिए एक तकिया सा बना रखा था। वो जंगल में रहा करते थे क्योंकि गांव में उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था और जंगल में ही रहा करते थे। भगवान पर ध्यान लगाकर हर रोज वो उन्हें पाना चाहते थे। मेरी हर रोज उनसे बहस हुआ करती, भगवान हमारी मदद नहीं करने वाले, और वो समझाया करते अच्छे बनना चाहिए, जिंदगी में धन सत्ता और शक्ति ही हर चीज नहीं होती, मन की शुद्धि भी होती है। एक दिन साधु बाबा के साथ एक अजीब सी बहस होने लगी। उस दिन मैं थक गया था जंगल में रहते रहते, मैं वापस जाना चाहता था, मैं अपने गांव में जाना चाहता था। मैं बाबा को कहने लगा मुझे अपने गांव में वापस जाना चाहिए। उस दिन मैंने बाबा को सब कुछ बताया था, मैंने क्या क्या किया, कैसे मैंने एक इंसान को जान से मारा है। तब बाबा कह रहे थे, तुमने जो गलती की है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, जब किसी को दुख दो तो उसको खुशी देकर आप हिसाब बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को मार दो उसे जिंदा ही नहीं कर सकते, बराबरी नहीं की जा सकती,
तुम्हारे कंधे पर एक बोझ हमेशा पड़ा रहेगा और उस बोझ को कम करने की कोशिश करो, भले ही छोटे छोटे स्तर पर, लेकिन बोझ कम करो वरना सजा बड़ी मिलती है। मैं बाबा पर हंस रहा था। कौन सी सजा? सजा सत्ता वाले के पास होती है, वो देता है और गरीब पिसते हैं। गरीबों को सजा होती है, अमीरों को कभी नहीं। मुझे अमीर होना है, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। आप भगवान से कहिए ना, आपके पास तो शक्तियां हैं, आप साधु बाबा हैं, आपने कई शक्तियां पाई होंगी, मुझे मेरी जिंदगी दे दीजिए, मुझे ढेर सारा धन दे दीजिए। तब उस बाबा ने कहा था, मैं धन नहीं दे सकता, ये शक्ति मैंने कभी पाई ही नहीं। मैं बाबा से कहने लगा, तो आपने कौन सी शक्ति पाई? उन्होंने कहा, मोक्ष। मोक्ष पाने का ज्ञान मैं पा चुका हूं। इस जिंदगी से बाहर निकलना, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, मोक्ष को पा लेना, भगवान को पा लेना। मैंने कहा, उससे क्या होगा? मरने के बाद वैसे भी मोक्ष मिल ही जाता है, आप मर जाते हैं सब कुछ खत्म। बाबा ने कहा, नहीं, मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता और मौत भी हर किसी को नसीब नहीं होती। अब इस बात पर बाबा के साथ मैं बहस करने लगा। मौत तो हर किसी को नसीब हो ही जाती है, हर कोई इतना किस्मत वाला तो होता है कि एक ना एक दिन उसे मौत मिल जाए। बाबा मोक्ष की बातें करते रहे, मैं धन और खजाने की बातें करता रहा। बाबा मुझे समझा रहे थे, ये चीज़ों को पाया नहीं जा सकता, और मैं बाबा से दूर निकल पड़ा गुस्से में कि आप ये चीज़ें नहीं दे सकते, भगवान ये चीज़ें नहीं दे सकता, तो कहीं और से मिल जाएंगी, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो मुझे ये सब दे ही देगा। अब उन गुफाओं से मैं आगे निकल गया था, काली अंधेरी पहाड़ियाँ। वहाँ पहाड़ियाँ काफ़ी खतरनाक थी और वहाँ कोई साधु नहीं, ठंड थोड़ी कम थी। वहाँ पर अजीब से लोग थे, वो आदिवासी लग रहे थे और वो काली शक्तियों का इस्तेमाल किया करते, जादू टोने का इस्तेमाल किया करते। मैं एक ऐसे ही गांव में रहने लगा था क्योंकि वहाँ आने से आम तौर पर कोई भी डरा करता था। कई बार अंग्रेज़ इस इलाकों में भी आ जाया करते थे, लेकिन ये कबीले वाले आदिवासी उन्हें मार कर भगा दिया करते, कुछ ही बचते। और मैं अपनी आँखों से देख चुका था, ये अजीब सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों से आग निकालते हैं, सर से बिजली निकालते हैं, ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को मारा करते थे। अब मुझे लगने लगा था कि इनकी शक्तियों का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूँ। मैं उनसे ये शक्तियाँ सीखना चाहता था और वहाँ जलील होने लगा मैं, क्योंकि हर कोई वहाँ इन शक्तियों को रखे हुए था। ये काली शक्तियाँ थी जो वो शैतान से पाया करते थे और किसी बाहरी को बताया नहीं करते थे। जलील होकर उन्होंने मुझे उस गाँव से निकाल दिया। अब उन काली पहाड़ियों से भी आगे चलना पड़ रहा था। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा। समय बीतता जा रहा है, जवानी खत्म होती जा रही है और बुढ़ापे तक मैं पहुँच जाऊँगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा तो आसानी से मौत ही मिलेगी। पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके मैं मौत को कबूल कर लूँगा। एक पहाड़ी के पास एक पुराना सा घर दिखा था मुझे। उस पहाड़ी के पास कई गुफाएं बनी हुई थी, लेकिन उन गुफाओं में घुसते हुए छोटे छोटे जानवर देखे थे, कुछ आदमखोर जानवर भी थे। उनसे बचने के लिए मैं उस घर में छिप जाता। मुझे नहीं पता वो किसका घर था, लेकिन मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब मैं उस घर के दरवाजे को बंद कर देता, कोई जानवर मुझ पर हमला नहीं कर पाता और उस घर का मालिक वहाँ मौजूद नहीं था। जंगल में किसने घर बनाया होगा? घर में कोई सामान नहीं था, हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा इस घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। पहली रात भूखा उस घर में मैंने गुजारी थी। उसके बाद मुझे लगा घर के आसपास तो जानवर घूमते रहते हैं, बाड़ा क्यों ना लगा दूँ। फिर मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। घर के आसपास घास वो साफ की मैंने, झाड़ियाँ साफ की और दूर दूर लकड़ियाँ लगा दी। आसपास कई बेलें उगी हुई थी, उन बेलों से एक बाड़ा बनाया। ये बाड़ा काफ़ी छोटा था, लेकिन इसके अंदर रहकर मैं जानवरों से बच सकता था। कई कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर बिछा दी थी मैंने, तो घर के इर्द गिर्द जानवर अब उन झाड़ियों से बाहर रहते, अंदर नहीं आ पाते, सुरक्षा कड़ी होने लगी थी। इस तरह दिन के वक्त मैं उन पेड़ों से फलों को तोड़कर लाता, सब्जियों को तोड़कर लाता, कुछ शिकार करता। इस तरह मैं जानवरों को यहाँ मरा हुआ लाता, पकाता, खाता। अब मैंने बाड़ा बड़ा करना शुरू कर दिया, लकड़ियाँ और दूर तक लगानी शुरू कर दी। इस तरह मैंने इस घर की हद को काफ़ी दूर तक कर दिया था। अब रात के वक्त भी मैं घर से बाहर निकल सकता था। उन कंटीली झाड़ियों को पार करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं था। इस जगह पर मैं रहता,
दूर एक दरवाज़ा लगा दिया था इन झाड़ियों से इस घर की हद से बाहर निकलने के लिए। जब मैं बाहर निकलता एक बड़ा भाला लेकर निकलता। इस तरह लगभग 15 दिनों में मुझे लगने लगा था अब यहीं पर बस कर रह जाऊंगा, जिंदा तो बचूंगा ना, वरना ये जानवर मुझे रात के वक्त मार ही डालेंगे। अब यही मेरा बसेरा है, यहीं जिंदगी गुजारूंगा। 15वां दिन था रात के वक्त जब मैं उस घर के पीछे वाली गुफा में भी हद बना चुका था। वहां पर बैठा मैं आग जलाकर ये सोच रहा था इस गुफा को बंद करूं या नहीं करूं। वो गुफा छोटी सी थी, क्या ही बताऊं, 1 फुट बाय 1 फुट छोटा सा खड्डा जो गुफा के अंदर जाता था। मुझे लगा यहाँ से कोई छोटा जानवर निकलकर ना आ जाए। फिर मैंने सोचा आता है तो आए, उसका शिकार करूंगा, उसे जलाकर भूनकर खा जाऊंगा। अब मैंने देखा एक आवाज उस छेद से आई, कौन है बाहर, कोई है यहाँ पर। ये आवाज सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी थी। कौन हो सकता है जो गुफा के अंदर इस तरह से मुझे आवाज लगा रहा है। फिर मैंने चमकती हुई 2 आँखें देखी। वो आँखें 8 से 10 फुट नीचे थी, यानी ये गुफा धरती के नीचे की तरफ जाती थी और कोई ना कोई नीचे था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, कौन हो यहाँ, गुफा के अंदर क्यों हो, अगर यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तब उसने कहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं यहीं पर बंद हूँ, यहीं पर कैद हूँ, तुम कोशिश भी नहीं कर सकते। अब उससे मैं बातें करने लगा था और वो कह रहा था भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दे दो, भूख बहुत लगी है। मैंने वहां पर मांस पकाया हुआ था एक जानवर का, लेकिन मैं किसी अनजान को क्यों दूं। वो खाने की मांग कर रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। तो वहां कुछ सड़ी हुई सब्जियां पड़ी थी, मैं वो सब्जियां उस छेद में फेंकने वाला था और उसने कहा, यहां मत फेंकना, नीचे गिर जाएंगी, किसी रस्सी किसी लट से बांधकर नीचे की तरफ लटकाओ। वहाँ एक बेल थी जिसे मैंने बाड़े के चारों तरफ बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, मैं उसको खींच कर लेकर आया, उसकी एक टोकरी सी बनाई और उस रस्सी को लटकाता हुआ नीचे तक ले गया। वो सब्जियाँ सड़ी हुई थी, इसके बाद भी उसे अंधेरे में क्या पता चलेगा, ये सोचकर मैंने वो सब्जियाँ फल उसे दे दी। मैंने अब उस टोकरी को ऊपर खींचने की कोशिश की तो मुझे ये दिख रहा था कि टोकरी अभी भारी है, उसने वो सब्जियां उठाई ही नहीं। मैं बार बार उसे कहता रहा, उठाओ सब्जियां, जल्दी से खा लो। उसने कहा, उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ, ये कहता रहा वो और उसने सब्जियां उठाई नहीं। मुझे गुस्सा आ गया, मैं वो बेल को खींचना शुरू हो गया। खींचते खींचते मैं टोकरी को ऊपर लेकर आया, टोकरी में सब्जियां नहीं थी, कुछ कंकड़ थे, एक चांदी का सिक्का। अब वो चांदी के सिक्के को देखकर मेरी आंखें चमक गई। इसके बाद मैंने उससे पूछा, ये तुमने इसमें क्या रख दिया। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी, बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, तुमने चलो कुछ खाने के लिए तो दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत स्वादिष्ट था, जो भी था बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं भी हैरान था, आखिर उसने मुझे चांदी का सिक्का दे दिया। खुशी खुशी मैंने उसे जेब में डाला और मैं उस घर के अंदर चला गया। अगली सुबह उस छेद से अंदर झांक कर मैं आवाज़ें लगाता रहा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं आसपास और गुफाओं में खंगालने गया। मैंने कई गुफाओं में खंगाला लेकिन उस तरफ जाने वाली कोई गुफा दिख नहीं रही थी। जैसा कि उसने कहा था, वो कैदी है यहाँ, शायद सुरंगों के रास्ते को बंद कर दिया गया होगा या सुरंगें ढह गई होंगी जिस कारण वो बाहर नहीं निकल सकता। बेचारा फंसा हुआ था, वो तो मेरी किस्मत थी, मैं वहां पहुंच गया और उसकी मदद कर दी। अब उसने मुझे चांदी का सिक्का दिया था तो मैं उसकी और मदद जरूर करूंगा। अगली रात लगभग 10 बजे उसकी आवाज़ फिर से आई थी, क्या तुम यहाँ पर हो, जलने की बू सी आ रही है, शायद कुछ पका रहे हो। मैंने भी उससे कह दिया, हाँ सब्जी थी मेरे पास उबली हुई, उसे पकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगा थोड़ी भून लेनी चाहिए, कोयले की जो सुगंध होती है वो सब्जी पर लगने के बाद और भी अच्छी हो जाती है सब्जी। उसने कहा, वाह वाह, भुनी हुई सब्जी खिला दो मुझे, मुझे भुनी हुई सब्जी खाए बहुत समय हो चुका है, खिला दो, कल तो जो फल थे वो ताज़े नहीं थे लेकिन काफ़ी समय बाद खाए इसलिए मज़ा ज़रूर आया, भुनी हुई ताज़ी सब्जी खिला दो, एहसान मंद रहूँगा। फिर मैंने उस टोकरी में भुनी हुई एक गोभी नीचे की तरफ लटकाई, उसने वो गोभी उठाई और खाना शुरू कर दी, खाने की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद उसने वो पत्थर टोकरी में रख दिए, अब टोकरी भारी हो गई थी, फिर से मैंने खींची,
क्यों ये कंकड़ पत्थर उसमें डाल देता है। कुछ कंकड़ पत्थर उसने टोकरी में डाले हुए थे, साथ में डाला हुआ था एक चांदी का सिक्का। अब एक और चांदी का सिक्का मेरे पास आ गया था और मैं उससे बात करने लगा था। उसने फिर से मुझे एक चांदी का सिक्का दे दिया था तो मैं अब उससे सवाल करना चाहता था, क्या तुम्हारे पास नीचे चांदी के सिक्के पड़े हैं? तो वो कहने लगा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पत्थर ही पत्थर हैं, चुभते रहते हैं, यहाँ से बाहर मैं निकल नहीं सकता। तुमने मुझे खाने के लिए कुछ दिया, माफ़ करना, कुछ कंकड़ पत्थर मैंने उसमें डाल दिए। मैं अब समझ गया था, नीचे अंधेरा है और उसे पता तक नहीं है कि वो उस टोकरी में क्या डाल रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसी तरह से कंकड़ पत्थर इसमें भर दिया करो, मैं उन कंकड़ पत्थरों को यहाँ बाहर फेंक दिया करूँगा। तो वो कहने लगा, क्या हुआ, कंकड़ पत्थर में कोई कीमती चीज़ तो नहीं? क्या यहाँ कोई कीमती चीज़ तो नहीं? मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं कीमती चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, कंकड़ पत्थर ही हैं, बस इसमें थोड़े से रख दिया करो, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं बाहर फेंक दिया करूँगा। तो सौदा सही है ना, मैं तुम्हें खाने के लिए चीज़ दूंगा, तुम्हारे पत्थरों को फेंकूंगा, बदले में तुमसे दोस्ती हो जाएगी, बातें करूंगा तुमसे, थोड़ी जानकारी निकालूंगा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? उसने कहा, हाँ सवालों के जवाब दूंगा, तुमने खाने के लिए दिया, बदले में मैं कुछ छोटी सी चीज़ तो दे ही सकता हूँ ना, सवालों के जवाब लो, जितने सवालों के जवाब लेने हैं। फिर मैं उससे बातें करने लगा था, क्या यह घर तुम्हारा है? उसने कहा, नहीं यह घर मेरा नहीं है, कुछ समय पहले यहाँ पर एक आदमी रहा करता था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी मुझसे बातें करता था, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था, यहाँ से भाग ही गया। फिर मैंने कहा, अच्छा तो इस घर में रहने वाला अब कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं तुम यहाँ के मालिक हो, अब मेरी मदद किया करो, यहाँ रहा करो और बस ऐसे ही काम चलता रहेगा। फिर मैं उससे बातें करने लगा था कि तुम यहाँ फंसे कैसे? उसने कहा, एक सवाल जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, यहाँ पर फंसा क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, यह सवाल का जवाब मुझसे कभी मत पूछना, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मजबूर हूँ। मैंने कहा, ठीक है तुम नहीं दे सकते, मजबूर हो, मैं समझता हूँ, कोई शाप हो सकता है, यहाँ फंसे होने का कोई बुरा कारण हो सकता है, कोई ऐसा जिससे तुम्हें बेइज्जती महसूस हो, मैं नहीं पूछूँगा, और चीज़ें तो पूछ सकता हूँ ना। उसने कहा, हाँ। फिर मैं उसे दोस्त बनाना चाहता था, कुछ दिन हम ऐसे ही बातें करते रहे, उससे मैं वो चांदी के सिक्के लेता रहा, बदले में उसे खाने की चीज़ें देता रहा। कई बार व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते, मैं उन्हें चांदी के सिक्के देकर उनसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेता, कई बार बिस्किट, कई बार ऐसे खाने वाले फल जो यहाँ पर पाए नहीं जाते, कुछ कपड़े, कुछ सर्दियों में पहनने वाले कपड़े, कुछ कंबल। इस तरह से कुछ ही दिनों में चांदी के सिक्कों से मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद ली थी और यहाँ पर रहते हुए अब ठीक था, अगर वो चांदी के सिक्के देता गया तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। इस तरह मैं उससे बातें करता रहता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे मुंह से एक सवाल निकल ही गया, मैं काफ़ी परेशान हूँ, यहाँ अब रहने में ठीक ठाक मज़ा तो आ रहा है, फिर भी ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं। मैंने कहा, मैं पहले भगवान को माना करता था, बहुत पूजा पाठ किया करता था, इबादत किया करता था, कई धर्मों को एक साथ माना करता था, मैं क्या ही बताऊं, अब मुझे ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, मौजूद कोई नहीं, झूठी कहानियां बना दी गई हैं, सच्ची कोई नहीं, भगवान कुछ नहीं करता। तब नीचे से आवाज़ आई, तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो, भगवान झूठा है, वो कुछ नहीं करता, वो लोगों को उम्मीद दिखाता है, देता कुछ नहीं, वो मौजूद भी है या नहीं इसके सबूत किसी के पास नहीं, तुम तो नहीं मानते ना भगवान को अब? मैंने कहा, नहीं अब बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसने कहा, अब करना भी नहीं, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, जो तुम चाहते हो वो भगवान नहीं देता, लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ को जानता हूँ जो देता है। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगा, अंग्रेज, कोई राजा, कौन है जो सब कुछ दे सकता है? उसने कहा, उनसे भी आगे एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग काली शक्ति कहते हैं, कुछ लोग शैतान कहते हैं, अब लोग डरते हैं इसलिए कहते हैं, जो भी पाखंडी है ना वो शैतान का नाम दे चुके हैं उसे, जो भगवान के उपासक हैं, भगवान की इबादत करने वाले हैं, वो उसे शैतान कहने लगे हैं, क्योंकि वो आसानी से चीज़ें देता है। तो मैं रास्ता बताता हूँ, यहाँ पास में ही एक जगह है
जहां पर शैतान की एक गुफा है, उस शैतान की गुफा में तुम्हें जाना होगा। वहां पर जाकर उपासना करो उसकी। मैं तुम्हें राज बताता हूं कैसे उसकी उपासना करनी है। उसे खुश कर दो, उसके बाद वो जिंदा हो जाएगा, तुम्हारे साथ होगा, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। सौदा मंजूर है, उससे सबसे पहले मांगना मुझे आज़ादी मिले। मैं आज़ाद हो गया तो सबसे पहले तुम्हारे पास मैं आ जाऊँगा। मेरे पास जानकारी है उसे शैतान को चलाने की, फिर देखना दुनिया पर राज करेंगे हम। अब उसने गुफा की जानकारी दे दी थी। एक दिन सुबह सुबह मैं उस गुफा की तरफ निकला था। 2 घंटे के करीब उस गुफा में पहुंच गया। उस गुफा के अंदर के उन छोटे रास्तों से जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां शैतान की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई थी, वहां पर सामने एक पत्थर रखा था। वहां पर बैठकर उसकी उपासना करनी थी। मैं उस पत्थर पर बैठा और जैसे ही मैं उस पत्थर पर बैठा, सामने बनी हुई वो पत्थर की शैतान की मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलने लगी थी। मैं डरकर उस पत्थर से उठ गया, एक तरफ जाकर छिप गया। फिर मैंने देखा वो तो पत्थर की मूर्ति है, आंखों को कुछ भ्रम सा हुआ होगा। दोबारा जाकर मैं उस पत्थर पर बैठ गया। जब मैं पत्थर पर बैठा, आंखें जैसे चुंधियाने लगी थी। फिर से हिलती हुई वो मूर्ति दिखी थी, लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। उस गुफा में आवाज़ गूंजा तो करती थी, लेकिन जवाब कोई नहीं आता था। उपासना करनी कैसे है ये भी मुझे पता नहीं था। फिर मैं दोबारा उसी घर में आया था और रात को इंतज़ार किया था उस आदमी के उस छोटे से छेद में आने के लिए। वहाँ 10 बजे उसकी आवाज़ आई, आए तुम जाकर? देखा उस मूर्ति को? देखा शैतान की गुफा को? मैंने कहा हाँ देखा, मैं उस पत्थर पर भी बैठा था। क्या उस पत्थर पर बैठकर कुछ खास तरह की उपासना करनी होगी? उसने कहा हाँ, खास तरह की उपासना। उपासना में बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, उसे रिझाना पड़ता है। अब शैतान को रिझाने के लिए बलि भी देनी पड़ती है और उससे पहले उसे मनाना भी पड़ता है। अब ये बातें मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊँगा। बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है, खिलाओगे क्या? मैंने कहा जो मांगोगे वो खिलाऊँगा, यहाँ से बाहर निकालूँगा, बताओ मुझे। उसने कहा बाहर तो निकाल दोगे, उससे पहले भूखा ना मर जाऊँ। मुझे ये सड़ी गली सब्जियाँ, भुनी हुई सब्जियाँ खाने में अब मज़ा नहीं आ रहा, मेरे लिए मांस ला सकते हो? मैंने कहा तुम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। तो उसने जवाब दिया तुम भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगी, बदले में बड़ी ही तो देनी पड़ेगी। अब उसकी बात में दम था। उस दिन मैंने शिकार किया था जंगली मुर्गी का, और वो मुर्गी भून कर उसे दी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश। वाह, क्या भुनी हुई मुर्गी थी, क्या लगाया इस पर? लगाया क्या? मैंने कहा मैंने इस पर मसाला लगाया, यहाँ व्यापारी आए थे, उनसे बड़े बड़े मसाले के डिब्बे लिए। तो उसने कहा वाह, तुम तो कह रहे थे बहुत करीब हो, मसाले कैसे ले लिए? मैंने उसे बताया नहीं, मैंने कह दिया मसाले मैंने उनसे कुछ फल देकर ले लिए। तो वो कहने लगा वाह, बड़े अच्छे व्यापारी हैं, फलों के बदले ये महंगे वाले मसाले दे दिए, सच तो बोल रहे हो ना? इस तरह उसे मैंने भुनी हुई मुर्गी दी थी और उसके बाद उसने मुझे बताना शुरू कर दिया वहाँ उपासना कैसे करनी है, और मैं वहाँ जाकर उपासना करना शुरू कर गया। शुरू के दिन साधारण से थे। वहाँ बैठकर मैं उपासना करता और सामने वो शैतानी मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलने लगती, लेकिन ऐसा तो हर रोज़ हुआ करता था। 10 दिन बाद मुझे वहाँ काफ़ी तेज़ हवाओं का अनुभव हुआ था। उन गुफाओं के अंदर इतनी तेज़ हवाएं थी कि पत्ते उड़कर वहाँ आ गए थे और सभी के सभी पत्ते उस मूर्ति से जा चिपके। फिर एक झटके में जब मैंने उन शब्दों को बोला था, वो पत्ते झड़कर नीचे और उन्हें आग लग गई। एक ही क्षण के अंदर वो राख में बदल गए थे। तब मुझे पता चला सच में इन शक्तियों का असर हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। धीरे धीरे उस मूर्ति में दरारें आना शुरू हो गई थी। वो दरारें इस तरह आ रही कि उनके अंदर से बदबू आ रही थी, कुछ सड़े हुए की। तब मैंने पास से महसूस किया था उन दरारों के अंदर जैसे खून था, थोड़ा थोड़ा खून बाहर की तरफ रस रहा था। मैं घबराता जा रहा था, क्या इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा? मैंने अपने दोस्त से पूछा था। उस रात उसने मुझे बड़े मांस के टुकड़े खाने के लिए कहा था। पास में ही नदी से मैंने मछली पकड़कर उसके लिए लाया था। मछली वो खा गया, कच्ची ही। उसके बाद उसने कहा
डरने की बात नहीं है, वो जिंदा हो रहा है। उसके शरीर को बनने में समय लगेगा, शरीर बन जाएगा, उसके बाद उस शरीर में वो शैतानी आत्मा आएगी और वो शैतानी आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। हम तीनों मिलकर तबाही मचा देंगे, राजा बन जाएंगे राजा, और तुम मुख्य राजा बनोगे, जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, और जो मन की मुराद होगी वो भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या नहीं देता भगवान? भगवान अमरत्व नहीं देता, अमर रहने का वरदान नहीं देता। वो चाहता है सब मरते ही रहें, लेकिन शैतान से तुम्हें मिलेगा, तुम कभी नहीं मरोगे। यहाँ धरती पर तब तक रहोगे जब तक इंसान जिंदा है। आगे आने वाले दिनों में वो मुझसे मछली मंगाकर खाता रहा। पहले पहले वो कच्ची मछली खाया करता था, उसके बाद उसने कहा पकी हुई मछली खानी है, फिर उसे मैं पका पका कर मछली खिलाता गया। चांदी के वो सिक्के तो मुझे मिलते जा रहे थे, जिसका भंडार लग गया था मेरे पास, और व्यापारियों से मैं महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगा था। वो चीज़ें जो मैंने कभी नहीं खरीदी थी वो खरीद रहा था। मैं मांस के टुकड़े वहाँ बाजार से ही लाया करता था, चलने में काफ़ी समय लगता, लेकिन एक बैलगाड़ी मैंने खरीद ली थी। इसी के साथ दो तीन कुत्ते भी यहाँ पर रख लिए थे अपनी सुरक्षा के लिए। इस तरह ज़िंदगी अच्छी कटने लगी थी, और शैतान भी तो जिंदा हो रहा था। अब इसके बाद सीधा महल में रहूँगा, ये सोचा हुआ था मैंने। वो पकी हुई मछली खाने के बाद कहने लगा मछली खा खा कर पक गया हूँ मैं, अब मुझे बड़ा मांस का टुकड़ा चाहिए। मैंने कहा बड़े मांस का टुकड़ा कहाँ से लेकर आऊँ? तो उसने कहा कोई जानवर, कोई जिंदा जानवर, जैसे हिरण, कोई भालू, कुछ भी जो जंगल में घूमते हैं, मुझे वो जानवर खाने हैं। अब उसकी बातों पर अमल तो करना था, मुझे चांदी के सिक्के दे रहा था। अब एक दिन मैं बंदूक उन व्यापारियों से ले चुका था, और बंदूक के सहारे मैंने एक हिरण का शिकार किया। बड़ा हिरण का मांस मैंने पका कर खाया था और उसे भी खिलाया था। उस रात उस टोकरी के अंदर चांदी का सिक्का नहीं, सोने का सिक्का था। मैं उससे सवाल करने लगा था, आज तुमने कुछ अलग से पत्थर डाले हैं, चमकीले चमकीले से, ये अलग जगह से उठाए लगते हैं या वहीं से उठाए हैं? उसने जवाब दिया, ये मैंने पीछे वाली जगह से उठाए हैं। इतना अच्छा मांस का टुकड़ा कि मैं नाचते नाचते पीछे चला गया, वहाँ से वो पत्थर लेकर आया। तुम कहो तो वही पत्थर लाया करूँ, लेकिन खाने को मुझे मांस मिलना चाहिए, वरना ये साधारण पत्थर बाहर भेजूँगा। ये सुंदर पत्थर है ना, कहीं कोई कीमती चीज़ तो नहीं इनमें? मैंने कहा नहीं नहीं कीमती चीज़ नहीं है, हैं तो पत्थर लेकिन चमकीले से हैं, थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं वहाँ घर के पीछे लगाऊंगा, घर देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, मांस खिलाओगे तो ये पत्थर दिया करूँगा, अगर तुमने फल खिलाए तो साधारण पत्थर दिया करूँगा। हाँ मैं समझ गया था, इसे मांस खिलाना होगा तब जाकर ये सोने के सिक्के देगा। अब मैं शिकार करने लगा था, मैंने ढेर सारी गोलियां ले ली थी। यहाँ पर विद्रोही काफ़ी ज़्यादा थे, जिनके पास ढेर सारी बंदूकें, ढेर सारी गोलियां थी। गोलियां खरीद रखी थी मैंने, सोने के सिक्के मिला करते थे। इसी तरह मैं शिकार करता रहा, और शिकार करते करते धीरे धीरे सोने के सिक्के काफ़ी ज़्यादा होने लगे। अब उस गुफा में जाकर जब मैं उपासना किया करता, तो इसी के साथ हड्डियाँ मांस के टुकड़े लेकर जाता। जैसे जैसे वो बताता गया मैं वैसा वैसा करता गया। अब खून से लेप किया करता मैं उस मूर्ति का। इसके बाद वो मूर्ति हिलने लगी थी, बाहर पपड़ी उखड़ने लगी थी, और वो दरारें अब धीरे धीरे उखड़ उखड़ कर गिर रही, अंदर से जैसे मांस का टुकड़ा निकल रहा था। अब जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था, उसने कहा उपासना का आखिरी चरण शुरू हो गया है, अब भगवान की निंदा करनी होगी। भगवान की निंदा शैतान की उपासना का आखिरी चरण होता है, इसके बाद शैतान मिलेगा। अब मैं उस गुफा में जाता और वहाँ भगवान की निंदा करता। मैं कई भगवान की मूर्तियाँ खरीद कर लेकर आता, वो मिट्टी की मूर्तियाँ होती, उसे वहाँ पर तोड़ देता। हर धर्म की चीज़ें ला रहा था, वहाँ बिखेर रहा था और पैरों से कुचल रहा था। इस तरह भगवान की निंदा से शैतान खुश हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा हिलता, और एक दिन अपने आप वो मूर्ति हिली थी, वो पपड़ी हिली, मांस का वो टुकड़ा अंदर से निकल आया, सारा का सारा पत्थर नीचे गिरा, और उसने हाथ हिलाया, ज़मीन पर मुक्का मारा और ज़मीन में एक छेद सा हो गया। अब मैं डर गया था कहीं उसने मुझ पर तो वार नहीं किया। फिर कुछ समय बाद उस छेद से एक आवाज़ आई, ये मेरे दोस्त की आवाज़ थी, अरे यहाँ भी छेद हो गया, मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ? मैं उससे पूछ रहा था,
क्या यहाँ बड़ी फैली हुई गुफाएं हैं? उसने कहा, हाँ यहाँ बहुत फैली हुई गुफाएं हैं। एक शाप है जो मुझे बाहर आने नहीं दे सकता, लेकिन गुफाओं में घूम सकता हूँ मैं। देखो यहाँ भी छोटा सा छेद है, यहाँ भी तुमसे बात कर सकता हूँ। अब ऐसा करो, आखिरी चरण चल रहा है, ज़्यादातर यहीं पर रहना, घर को छोड़ दो, बाड़ा यहाँ बनाओ, कोई जानवर यहाँ पर नहीं आएगा, जल्दी से जल्दी शैतान को जिंदा करो। आखिरी चरण में तुम्हें बताता हूँ क्या करना होगा। अब तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलना होगा। इसके बाद मेरे लिए काम यह है कि मैं मांस खाऊंगा इंसानी। इस शैतान के लिए काम यह है तुम्हें मंदिर की मूर्तियां तोड़नी होंगी, मंदिर तोड़ने होंगे। ये काम करने के बाद शैतानी उपासना शुरू होगी और आखिरी चरण पार करते ही शैतान जिंदा हो जाएगा। अब उपासना का आखिरी समय रह गया था तो मुझे लगा जैसा वो कहता है मुझे वैसा करना होगा। मैं बढ़ चला आसपास के गांवों की ओर। मुझे जो मंदिर मिल रहे थे रात के वक्त, मैं वहां से मूर्तियां चुरा लेता, यहां आकर तोड़ देता, मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता, चीजों को चुराने की कोशिश करता। जो मुझे रोकता मैं चाकू से उसे मारता और उसकी लाश को यहां लेकर आता, यहां उस छोटे से छेद में काट काट कर शरीर के अंगों को फेंक देता। मैं जालिम बन गया था, लेकिन राजा बनने के लिए ये सब तो करना पड़ता है ना। मुझे सब कुछ सही लग रहा था, बस जैसा जैसा वो कहता रहा वैसा वैसा मैं करता रहा। मैं बस भगवान को मान नहीं रहा था, मंदिरों को तोड़ना मेरे लिए आम बात हो गई थी। कई लोग जो मेरे साथ थे, मेरे उस सोने के चांदी के सिक्कों के कारण मेरी मदद कर रहे थे, और मंदिरों को तोड़ने के लिए इंसान शैतान बन जाते हैं कुछ सिक्कों के लिए। अब बच्चों को उठाकर मैं ला रहा था उस छेद में, बच्चे आसानी से आ जाते और मैं जिंदा बच्चों को उस छेद में फेंक देता। उपासना की आखिरी रात मुझे वहां पर अकेले रहना था। वो बड़ी सी मूर्ति मांस का एक टुकड़ा बन गई थी। वो लगभग 15 से 16 फुट का शैतान था जिसका मांस इस तरह से जिंदा हो रहा था। वो रात मैं उपासना करता रहा, वहाँ पर चावल बिखेर दिए थे मैंने। उसके बाद मुझे उस छेद में अपना हाथ डालना था और अपने दोस्त के हाथ से हाथ मिलाना था, दूसरा हाथ मुझे उस मूर्ति पर रखना था। इस तरह वो शैतान जिंदा हो जाता। मैंने रात के 12 से 1 बजे के करीब, जब चांद बिल्कुल ऊपर तक पहुँचा हुआ था, मैंने ऐसा ही किया। एक हाथ डाला उस छेद में, वहाँ मेरा हाथ पकड़ लिया मेरे दोस्त ने और कहा, कर दे वही जो तुझे करने को कहा है, राजा बनने वाला है तू, तेरी उम्र बहुत लंबी होने वाली है, तू यकीन नहीं करेगा कितनी। दूसरा हाथ मैंने उस मूर्ति पर रखा और बिजली का एक झटका सा लगा था। वो मूर्ति जो इतनी बड़ी मांस का टुकड़ा थी, वो छोटी सी इंसानी रूप में आ गई और वो मूर्ति हिलने लगी। हिलकर वो पहले इधर उधर देख रहा था, वो पूरी तरह से इंसान, लेकिन माथे पर 2 सींग जिस पर आग लगी हुई। धीरे धीरे वो सींग उसके शरीर में चले गए। अब वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा था, वाह कमाल कर दिया। मैंने अपना सर झुका लिया, ये शैतान है, ये भगवान से भी ऊपर है, ये सब कुछ देता है, शैतान के लिए उपासना की है मैंने, सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा, ऐसा करो मुझे अमर बना दो, मुझे राजा बना दो। तब उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम वो बनोगे जिसके तुम लायक हो मेरे दोस्त। मैं उन गुफाओं में कैद था, मुझे कैद किया गया था, तुमने मुझे जिंदा कर दिया। मैं एकदम से डर कर पीछे हो गया। मैं देखने लगा था, क्या उस छेद में मेरा दोस्त है? तो उसने कहा, मैं सामने हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो? गुफाओं में कैदी था मैं, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो मेरी उपासना कर सके। मैं ही तो हूँ शैतान जिसे यहाँ बंदी बना दिया गया। हम शैतानों के पास अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन हार जाते थे हम। तुमने अब मुझे जिंदा किया, बदला तो ज़रूर लूँगा मैं, दुनिया से बदला तो ज़रूर लूँगा मैं। अब मैं हंसकर उसे गले लगाना चाहता था, मेरे दोस्त
तुम जिंदा हो गए, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया। जैसे ही उसे गले लगाने के लिए उठा, उसने मेरे सर पर पैर रखकर मुझे पीछे दे मारा और कहा, तुच्छ इंसान, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, मेरे पूरे रूप को छूने की हिमाकत मत करना, तू बहुत छोटा है, तुच्छ है, तुझे दोस्त कौन बनाएगा। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के तुझे लगता था मैं दे रहा हूँ, वो तो इसलिए दे रहा था ताकि तू काम कर पाए। झूठा था तू, मुझे भरोसा था झूठों पर, तुझ पर भी भरोसा किया, तू मुझसे झूठ बोलता रहा, मैं खुश होता रहा, ऐसे मक्कार की ही तो जरूरत होती है मुझे। अब वो गुफा से बाहर निकलने वाला था और मैंने उससे कहा, मुझे कुछ देकर तो जाओ, तुम्हें जिंदा किया है। उसने एक झटके से गायब होकर मेरे करीब वो रूप प्रकट किया और मेरे बालों को पकड़कर मेरी गर्दन को खींचने लगा और कहने लगा, तुझे अमर बनाना था ना, ले तुझे अमर बनाया, हजार साल की जिंदगी दी तुझे, नाम क्या है तेरा, राघोल, तू राघोल नहीं, तू घोल बनेगा, घोल मांस खाने वाला, सड़ा हुआ मांस खाने वाला, जा अब सड़े हुए मांस को खा, भटक कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में मांस मिलेगा तुझे, वहां पर शैतानी उपासना का तुझे मजा मिलेगा। मैं वहां चीख कर रो रहा था और मेरा शरीर सड़ा हो गया, शरीर से बदबू आने लगी, मैं जैसे गल चुका था मांस का टुकड़ा, भूख लगी हुई थी मुझे, वो भी सड़े हुए मांस की। तब मेरे मुंह से निकला था, हे भगवान मेरी मदद कर, और वो शैतान वहीं रुक कर कहने लगा, अब आई भगवान की याद, अब आई भगवान की याद, जो तूने किया है तुझे क्या लगता है, भगवान तेरी मदद करेगा, अब जा अपनी भूख मिटा, लोगों को मार, बच्चों को उठा, जो तू करता आया है कर, वही कर, मेरी उपासना तुझे मैं फल दूंगा, इंतजार कर, हजार साल बाद कुछ दूंगा तुझे, इसकी बार नहीं, कुछ अलग दूंगा। मैं रोता रहा था उन गुफाओं में और वो शैतान वहां से चला गया था, उसका शरीर इंसानी था, इंसान के रूप में शैतान को जिंदा कर दिया था मैंने, और भविष्य में वो क्या करेगा मैं नहीं जानता था। तब से भटक रहा हूँ मैं कब्रिस्तानों में, तब से भटक रहा हूँ शमशान घाटों में, मेरा नाम राघोल था लेकिन अब मुझे लोग घोल कहते हैं, कुछ घूल कहते हैं। शमशान घाटों में मैं लाशों को ढूंढता हूँ, जिंदा बच्चों को ढूंढता हूँ, पकड़ पकड़ कर मुझे मांस खाने का मन करता है, मैं मारता हूँ लोगों को, क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं, उस शैतान के कारण ऐसा बन गया हूँ, शायद मेरी लालच ने मुझे ये बना दिया। हजार साल तक मैं जिंदा रहूंगा और ये काम करता रहूंगा, लेकिन मेरा शरीर सड़ा हुआ है, रात को जमीन से निकल पाता हूँ मैं, दिन के वक्त पत्थर बन जाता हूँ, गोल आकार का पत्थर जिसे कोई पहचान तक नहीं पाता, रात को जागता हूँ, शिकार करता हूँ। आज मेरे पास जवाब है, वो शैतान कौन था जिसने दुनिया को बदल दिया, वो शैतान का चेहरा मैं भूल नहीं सकता और अपनी कहानी में वो नाम मैं लेना नहीं चाहता। आप डर जाएंगे, शैतान हमारी दुनिया में किस तरह से काम करता है, वो तो उसका अंत हो गया, वरना दुनिया में क्या क्या होता आप जान नहीं पाते। कोई जवाब नहीं दे सकता वो कौन था, वो जिसने दुनिया को बदल दिया और मैं आज भी जिंदा हूँ। ऐसा मत सोचिए मैं मर चुका हूँ, अगर 1928 में यह घटना घटी थी, मैं हजार साल के लिए जिंदा हूँ और आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, आप भी संभल जाइए, शैतान की उपासना और उसके उपासना के तरीके, वो आपको भटका रहा है, मजबूर मत बनिए, आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है।